दोस्तों एक कहानी है लूफी की, जो कि एक बड़े खजाने को ढूंढने के लिए समुद्र में निकल चुका है। उसने मरीन बेस में घुसकर ग्रैंड लाइन का मैप चुराया और फिर उसने नामी और जोरो के साथ मिलकर एक जोकर बगी को हराया और पूरे आइलैंड के लोगों को आजाद कराया। इसके बाद लूफी को एक और दोस्त उसोप मिला और उसोप के साथ मिलकर इन सभी लोगों ने काया के बटलर का पर्दाफाश किया और काया की जान बचाई। मगर फिर हमें पता चला कि गार्प, जो कि लूफी को पकड़ने के पीछे पड़े हैं, वो असल में लूफी के ही दादाजी हैं। अब लूफी के दादाजी उसके जहाज पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लूफी के दादाजी यानी कि गार्प लूफी को एक मरीन बनाना चाहते थे, लेकिन लूफी को हमेशा से ही एक पायरेट बनना था। वो गार्प से कहता है कि मैं बड़ा होकर एक पायरेट बनूंगा। ये सुनकर गार्प को गुस्सा आ जाता है। वो लूफी की बनाई नाव को तोड़ फोड़ कर वहीं फेंक देते हैं और लूफी को पकड़कर ले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में गार्प लूफी के जहाज पर बमों से हमला कर देते हैं और फिर इन सभी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन लूफी सरेंडर करने से साफ मना कर देता है। तभी गार्प को गुस्सा आता है। वो लूफी के जहाज पर एक तोप का गोला फेंकता है, मगर तभी लूफी गुब्बारे की तरह फूल कर तोप के गोले को वापस उन्हीं के जहाज पर फेंक देता है, जिससे इनका जहाज ऊपर से टूट जाता है। और मौके का फायदा उठाकर लूफी अपने जहाज को लेकर निकल लेता है। नामी जहाज को कोहरे के एरिया में ले जाती है, जिससे ये लोग मरीन सैनिकों से बच जाते हैं। अब तभी लूफी को खाने की खुशबू आने लगती है। लूफी ने दिशा दिखाता है और फिर ये सभी लोग समुद्र के बीच में बने एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिसे बराटीए कहा जाता है। ये चारों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। यहीं हम सांजी नाम के एक शेफ को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल डिश बनाता है। मगर उसका बुड्ढा इस रेस्टोरेंट का ओनर जेफ उसके बीच में बहुत बोलता है और उसकी बनाई डिश को खराब बताकर उसे शेफ की जगह पर वेटर बनाकर बाहर भेज देता है। फिर जब सांजी बाहर आता है तो यहाँ दो आदमी लड़ाई लड़कर रेस्टोरेंट के माहौल को खराब कर रहे थे। सांजी उन्हें अपने पैरों का जलवा दिखाता है और शांत कराकर बिठा देता है। फिर वो लूफी और उसके दोस्तों के पास उनका ऑर्डर लेने आता है। सांजी नामी को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद वो सबका ऑर्डर लेने के बाद खाना लाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प ने अपने टूटे हुए जहाज को ठीक कर लिया होता है। अब तभी गोबी गार्प के पास आकर कहता है कि हम दूसरी मरीन टुकड़ी की मदद ले सकते हैं, लेकिन गार्प उनसे मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद गार्प एक आदमी मिहोक को कॉल करता है। मिहोक इस दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज होता है और वो कुछ पायरेट्स को अपनी तलवार से मार रहा था। वो अपनी तलवार से उनके जहाज के दो टुकड़े करके उसे पानी में डुबो देता है। तभी इनका कैप्टन मिहोक पर गोली चलाता है, लेकिन मिहोक अपनी तलवार से बच जाता है और फिर कैप्टन का काम तमाम कर देता है। फिर गार्प मिहोक को लूफी के बारे में सब कुछ बताते हैं और लूफी को जिंदा पकड़ कर लाने के लिए कहते हैं। यहीं कोबी छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद कोबी सफाई करते समय हेलमेपो से मिहोक के बारे में पूछता है। हेलमेपो बताता है कि इस दुनिया में समुद्र के साथ सबसे बड़े सौदागर हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं, और उन्हीं में से एक मिहोक भी है और उसके जैसा तलवारबाज इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हेलमेपो कोबी को बताता है कि सरकार इन लुटेरों को रोक नहीं पाई, इसीलिए सरकार ने इन सबके साथ हाथ मिला लिया और अब ये लोग मरीन सैनिकों की मदद करते हैं और बदले में मरीन सैनिक इनके बीच में नहीं आते। कोबी ये सब जानकर चौंक जाता है। वो कहता है कि मरीन सैनिक तो लोगों की मदद के लिए होते हैं, तो आखिर मरीन सैनिक कुछ पायरेट्स को कोई भी काम कैसे करने दे सकते हैं। हेलमेपो कहता है कि यही दुनियादारी है। अब ये सब जानकर कोबी गार्प के पास जाता है और उसे कहता है कि वो जान चुका है कि उन्होंने मिहोक को लूफी को पकड़ने के लिए भेजा है। कोबी गार्प से कहता है कि हम लुटेरों की मदद कैसे ले सकते हैं, क्या हर लुटेरे के लिए कानून अलग है। इस पर गार्प कोबी को समझाता है कि ये दुनिया टेढ़ी है और हमारे बनाए कानून हर जगह पर लागू नहीं हो सकते, इसीलिए हमें इसी के साथ जीना होगा। गार्प कहता है कि मैं 50 साल पहले मरीन सैनिक बनने के लिए यहाँ जुड़ा था और मेरे पास एडमिरल बनने के कई सारे ऑफर आए, लेकिन मैं एडमिरल नहीं बना क्योंकि मैं फ्रीडम के साथ जीना चाहता था। इसीलिए क्या तुम भी इस तरह जी सकते हो। कोबी अब गार्प की बात मान लेता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी ने रेस्टोरेंट में खूब खाना खा लिया होता है, लेकिन जब बिल भरने की बात आती है तो लूफी कहता है कि इन पैसों को मैं वन पीस ढूंढने के बाद सूद समेत वापस कर दूंगा। लेकिन ये सुनकर वही बुड्ढा जेफ लूफी को पकड़कर किचन में लाता है और बिल ना भरने के बदले उसे यहाँ रखे बर्तन धोने के लिए कहता है। तभी सांजी भी यहाँ आ जाता है। जेफ और सांजी में बहस होने लगती है। इसी बीच लूफी सांजी की बनाई उसी स्पेशल डिश को टेस्ट करता है और लूफी को वो डिश काफी पसंद आती है, इसलिए लूफी उसे भी खा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद लूफी सांजी से बात करता है और बताता है कि तुम्हारी वो डिश कमाल की थी। सांजी कहता है कि मैं यहाँ का सबसे अच्छा शेफ हूँ, लेकिन वो बुड्ढा मेरी कोई भी बात नहीं मानता। सांजी बताता है कि उसका एक सपना है, वो इस दुनिया का सबसे बढ़िया शेफ बनना चाहता है और ऑल ब्लू को ढूंढना चाहता है। सांजी कहता है कि ऑल ब्लू में दुनिया के सबसे अच्छे मसाले और खाने की दूसरी चीजें मिलती हैं, जिन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा। लूफी सांजी से कहता है कि तुम्हें अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। अब तभी एक आदमी यहाँ आ जाता है। वो काफी भूखा था,
इसलिए सांजी उसके लिए खाना बनाता है और उसे देता है। ये देखकर लूफी सांजी से कहता है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम वन पीस को ढूंढने जा रहे हैं। तभी वो आदमी वन पीस का नाम सुनकर कहता है कि हम भी वही ढूंढ रहे थे, लेकिन ग्रैंड लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक थी और वहां हमने अपना सब कुछ खो दिया। वो आदमी कहता है कि मैं वहां से अकेला ही बचकर जिंदा आया हूं, इसीलिए तुम उसे ढूंढने के बारे में भूल जाओ। अब ये लोग यहां बातें कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ मिहोक यहीं आ चुका था। यहां उसोप को चढ़ चुकी थी और वो सबके सामने अपनी झूठी झूठी कहानियां सुना रहा था और बता रहा था कि हमने किस तरह मरीन को हराया। उसोप सबको लूफी के बारे में भी बताता है और ये सुनकर मिहोक उसोप से उसे लूफी से मिलवाने के लिए कहता है। उसोप मिहोक को जोरो और नामी के पास लाता है। जोरो मिहोक को पहचान लेता है और जोरो को अपना वादा निभाने के लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना था, इसीलिए जोरो मिहोक को तलवारबाजी की लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। मिहोक जोरो के चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे कल सुबह आने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। उसोप और नामी घबरा जाते हैं। उसोप तुरंत ही लूफी को बुलाकर लाता है और नामी लूफी को सब कुछ बताती है। नामी जोरो से ये लड़ाई ना लड़ने के लिए कहती है क्योंकि इसमें जोरो की जान भी जा सकती है, लेकिन जोरो को अब किसी भी हाल में ये लड़ाई लड़नी थी। जोरो लूफी को याद दिलाता है कि ये मेरा सपना है और लूफी अपने दोस्तों के सपनों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसीलिए लूफी जोरो को नहीं रोकता। नामी को काफी गुस्सा आता है, नामी ने अपना दोस्त मानने लगी थी मगर अब नामी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर नामी ग्रैंड लाइन का मैप और अपना सामान पैक करके इन्हें छोड़ने का प्लान बनाती है क्योंकि नामी को शुरू से ही ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था और अब नामी को वो मैप मिल चुका है। अब सुबह नामी इन्हें छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वहीं जोरो लूफी और उसोप मिहोक के पास जाते हैं। मिहोक जोरो से फाइट करने के लिए अपनी छोटी तलवार निकालता है। फिर जोरो और मिहोक फाइट करने लगते हैं। मिहोक अपनी छोटी तलवार से ही जोरो को रोककर दूर फेंक देता है। जोरो मिहोक से हार रहा होता है। तभी जोरो अपने वादे को याद करके मिहोक पर हमला करता है मगर मिहोक अपनी छोटी तलवार को जोरो के अंदर घुसा देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नामी भी अपने दोस्तों के लिए यहाँ वापस आ गई होती है। यहाँ अब भी जोरो हार नहीं मानता और ये सब देखकर मिहोक जोरो से कहता है कि तुम सच में बहादुर हो, इसीलिए अब मिहोक अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है। तभी जोरो अपनी तीसरी तलवार निकालता है और मिहोक पर हमला करता है, लेकिन मिहोक उसकी दोनों तलवारें तोड़ देता है मगर जोरो अब भी हार नहीं मानता और मिहोक के सामने मरने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी मिहोक गेम खत्म करने के लिए जोरो के एक तलवार मारता है जिससे जोरो वहीं गिर जाता है, मगर मिहोक जोरो से इम्प्रेस हो गया था इसीलिए अब वो लूफी को नहीं पकड़ता और जोरो से कहता है कि ताकतवर बनो और मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर मिहोक यहाँ से चला जाता है। तभी जोरो यहाँ बेहोश हो जाता है। लूफी, नामी और उसोप जोरो को उठाकर अपने शिप पर लाते हैं। इन्हें जोरो को बचाने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए लूफी मदद के लिए सांजी और उसी बुड्ढे जैफ के पास आता है। लूफी उन्हें सब कुछ बताता है लेकिन यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था, इसीलिए जैफ लूफी की मदद के लिए उसकी शिप पर आ जाता है। जैफ जोरो के घाव को ठीक करता है और मछली की खाल को उसके ऊपर लगा देता है ताकि इससे उसका जख्म ठीक हो जाए, लेकिन जैफ इनसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त अभी जिंदगी और मौत के बीच में है और इसका बच पाना काफी मुश्किल है। ये तीनों जोरो को बेड पर लिटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहोक गार्प के शिप पर पहुंच चुका था। गार्प मिहोक के पास जाता है। गार्प उससे पूछता है कि लूफी कहाँ है। इस पर मिहोक कहता है कि उसने लूफी को इस बार जाने दिया। मिहोक गार्प से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। यही मिहोक ये बात जानता था कि लूफी गार्प का पोता है। मिहोक कहता है कि लूफी में कुछ तो अलग है, शायद तुम्हारा ये पोता ही वन पीस को ढूंढ निकाले। ये कहकर मिहोक यहाँ से चला जाता है। गार्प को काफी गुस्सा आता है, वो सारी चीजों को उधर उधर फेंकने लगता है। यही कोबी ने ये सारी बातें सुन ली होती है। वहीं दूसरी तरफ सांजी लूफी की शिप में था। वो इन सब के लिए खाना बनाता है लेकिन लूफी अब कोई भी खाना नहीं खाता। वो जोरो के लिए काफी परेशान था। लूफी चिंता की वजह से कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। इस पर सांजी उससे कहता है कि कैप्टन को हमेशा फैसला लेना आना चाहिए। सांजी बताता है कि वो बुड्ढा जैफ भी एक समय पर पायरेट्स का कैप्टन था। यह सुनकर लूफी पूछता है कि तुम जैफ से कैसे मिले। इस पर सांजी बताता है कि कई साल पहले जब वो छोटा था तो एक दिन जैफ ने अपनी टीम के साथ हमारे जहाज पर हमला कर दिया। सभी लोग भागने लगे, सांजी वहीं छुप गया। थोड़ी देर बाद जैफ वहीं आ गया। जैफ छोटे सांजी की बनाई एक डिस्क को टेस्ट करके उसमें कुछ बदलाव करने लगा। तभी ये देखकर सांजी ने जैफ पर हमला कर दिया। फिर जैफ को पता चला कि ये डिस्क सांजी ने बनाई है तो ये जानकर जैफ इम्प्रेस हो गया। सांजी ने जैफ को बताया कि एक दिन वो ऑल ब्लू को ढूंढकर वहां खाना बनाएगा और दुनिया का नंबर वन शेफ बनेगा। अब तभी समुद्र में तेज तूफान आ गया जिससे इन दोनों की शिप पानी में डूबकर तबाह हो गई। फिर जब सांजी को होश आया तो वो जैफ के साथ समुद्र के बीच में फंस चुका था। जैफ ने सांजी की जान बचा ली थी। यहाँ जैफ के पास दो बैग थे। जैफ सांजी को छोटा वाला बैग देता है जिसमें सांजी के लिए खाना था। सांजी देखता है कि बुड्ढा तेज चल रहा है, उसने खुद तो बड़ा बैग रख लिया लेकिन मुझे छोटा दिया। सांजी जैफ से कहता है कि तुमने बड़ा बैग क्यों लिया है। इस पर जैफ कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा खाना चाहिए।
जेब सांजी को दूसरी तरफ जाकर जहाज आने का इंतजार करने के लिए कहता है और कहता है कि जब तक कोई जहाज ना मिले तब तक मेरे पास मत आना। सांजी दूसरी तरफ चला जाता है, मगर धीरे धीरे यहाँ कई दिन बीत जाते हैं। अब तक यहाँ कोई भी जहाज नहीं आया था। सांजी के पास जो खाना था वो भी खत्म होने लगा था। अब 25 दिनों बाद सांजी को रात में एक जहाज दिखता है। सांजी जहाज को आवाज लगाता है, लेकिन जहाज काफी दूर था, वो सांजी की आवाज नहीं सुन पाता और यहाँ से चला जाता है। फिर 30 दिन बीत जाते हैं। सांजी का खाना बस खत्म होने के कगार पर था, इसीलिए सांजी रोज जिंदा रहने लायक ही खाना खाता है। मगर फिर 50 दिन बीत जाते हैं। सांजी का अब सारा खाना खत्म हो चुका था, वो भूख से तड़प रहा था, इसीलिए सांजी अब बुड्ढे से खाना छीनने का प्लान बनाता है। वो चाकू लेकर जेफ के पास जाता है और यहाँ अब सांजी देखता है कि जेफ ने इतने दिनों तक जिंदा रहने के लिए अपना ही पैर खा लिया है। सांजी जेफ से कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए अनजान था, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। सांजी ये सब सुनकर रोने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में सांजी इन सबको बताता है कि हम वहाँ 85 दिनों तक फंसे रहे थे। सांजी कहता है कि तुम्हें भी जेफ की तरह एक फैसला लेना होगा, लेकिन इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद भी लूफी को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ नामी जोरो से बातें कर रही थी ताकि जोरो जल्दी होश में आ जाए, लेकिन जोरो को अब भी होश नहीं आता। तभी लूफी यहाँ आता है, मगर नामी लूफी पर भड़क जाती है। नामी कहती है कि तुम जोरो को रोक सकते थे, लेकिन तुमने उसे नहीं रोका। इस पर लूफी कहता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनके सपनों के बीच में नहीं आऊंगा। लूफी नामी से कहता है कि तुम्हारा भी तो कोई सपना होगा जिसे तुम पूरा करना चाहती हो। इस पर नामी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सपनों के बारे में सोचे। नामी ये कहकर यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गार्प अब कोबी से बात करता है और बता देता है कि लूफी मेरा पोता है। कोबी पहले से ये जान चुका था। गार्प कोबी से कहता है कि बचपन में मैंने बहुत चाहा कि मैं लूफी को एक अच्छा मरीन बना दूं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इस पर कोबी कहता है कि मैं लूफी के साथ रहा हूँ और वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। कोबी कहता है कि वो एक पायरेट ही है और वो कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। अगर उसे पायरेट बनने के लिए मरना भी पड़े तो वो मरना पसंद करेगा, लेकिन पायरेट ही बना रहेगा। कोबी कहना चाहता था कि हमें लूफी का पीछा छोड़ देना चाहिए, लेकिन गार्प को उसकी बातों से कुछ और ही समझ आ जाता है। फिर वो सारे मरीन को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि पायरेट्स कभी भी हार नहीं मानेंगे, इसीलिए हम भी सख्त बनेंगे और हम भी अब कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये सब सुनकर कोबी के तोते ही उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बराटिए में आरलोंग अपने दोनों साथियों के साथ आ जाता है। वो रेस्टोरेंट में एक आदमी को उठाकर फेंक देता है, क्योंकि आरलोंग एक फिशमैन था और वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब तभी यहाँ जेफ आता है और कहता है कि तू कौन है बे, ये मेरा रेस्टोरेंट है। तभी आरलोंग कहता है कि मैं पूरे ईस्ट ब्लू का मालिक हूँ। आरलोंग कहता है कि मैं लूफी नाम के एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ और अगर वो जल्दी ही यहाँ नहीं आया तो मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को मारकर खा जाऊंगा। अब ये सब नामी छुपकर सुन लेती है। नामी तुरंत शिप पर आकर लूफी और उसोप को ये सब बताती है और कहती है कि वो काफी खतरनाक है, इसीलिए हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी सांजी बराटियों को बचाने जाने लगता है। लूफी कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। लूफी भी बराटियों को बचाने का फैसला करता है और सांजी के साथ रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहीं आरलोंग यहाँ बैठे इंसानों पर अपनी भड़ास निकाल देता है, क्योंकि इस दुनिया के इंसान फिशमैन को अपने से नीचा समझते थे और आरलोंग इसी वजह से इंसानों से नफरत करता है। अब तभी यहाँ लूफी, सांजी और उसोप आ जाते हैं। लूफी आरलोंग से कहता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। इस पर आरलोंग का साथी उसी बगी की गर्दन निकालता है और फिर बगी का कान लूफी की टोपी में से निकल कर आता है, यानी कि पूरे समय ही बगी का कान लूफी की टोपी में छुपा हुआ था, जिससे बगी इनकी सारी बातें सुन रहा था। अब तभी आरलोंग का साथी बगी को वापस बैग में डाल देता है। फिर आरलोंग लूफी से कहता है कि ग्रैंड लाइन का मैप मुझे दे दो, मगर लूफी मना कर देता है। तभी जेफ पीछे से आकर आरलोंग के एक गोली मारता है, लेकिन आरलोंग को कोई खरोच भी नहीं आती। फिर आरलोंग का एक साथी जेफ के पैर पर हमला करके उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। तभी सांची जेफ को बचाने आता है और आरलोंग के साथी के लाते ही लाते बचा देता है, लेकिन वो काफी पावरफुल था। वो सांजी को दूर फेंक देता है। उसोप डरपोकों की तरह यहाँ छुप रहा था। अब तभी लूफी भी आरलोंग पर हमला करता है, लेकिन आरलोंग उसे पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर ले आता है। फिर लूफी और आरलोंग के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। आरलोंग लूफी को काफी बुरा मार रहा था, लेकिन लूफी को तो काफी मजा आ रहा था। लूफी भी आरलोंग के कई मुक्के मारता है। तभी आरलोंग समुद्र का पानी लूफी पर डालता है, जिससे लूफी की ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं। फिर आरलोंग लूफी को मारने वाला था, मगर तभी यहाँ नामी आकर आरलोंग को रोक देती है और कहती है कि ग्रैंड लाइन का मैप मुझे मिल चुका है, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि नामी शुरू से ही आरलोंग के लिए काम कर रही थी और उसका मकसद ग्रैंड लाइन का मैप चुराना था। लूफी को ये सब जानकर काफी गुस्सा आता है। यहाँ आरलोंग लूफी को खाना चाहता था, लेकिन नामी कहती है कि बच्चे को खाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसीलिए इसे पानी में ही डाल दो। आरलोंग को यह आइडिया अच्छा लगता है। आरलोंग लूफी को पानी में फेंक देता है। लूफी पानी में डूबने लगता है, मगर तभी सांजी यहाँ आकर लूफी को बचा लेता है और ऊपर ले आता है।
यहाँ नामी आर्लोंग और उसके साथियों के साथ जा चुकी थी। लूफी इस सब पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब इसके बाद ये सभी लोग जोरो के पास आ जाते हैं। लूफी जोरो को सब कुछ बताता है। अब तभी जोरो को भी होश आ जाता है। लूफी जोरो को दोबारा होश में देखकर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ जेफ अपने रेस्टोरेंट में अकेला बैठा था। तभी सांजी यहाँ आकर साफ सफाई करने लगता है, लेकिन जेफ उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान ये सब करने के लिए नहीं बचाई थी। जेफ सांजी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर ऑल ब्लू को ढूंढ कर अपना सपना पूरा करो। सांजी ये सब सुनकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो के होश में आने के बाद लूफी फैसला करता है कि वो लोग पहले नामी को ढूंढने जाएंगे, फिर ये सब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सांजी भी इनकी टीम में शामिल होने आ जाता है। लूफी सांजी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर सांजी जेफ को एक आखिरी गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। जहाज पर उसोप लूफी से पूछता है कि हम नामी को कैसे ढूंढेंगे। इस पर लूफी उन्हें बगी की गर्दन दिखाता है, जिसे लूफी ने अब पकड़ लिया होता है, और बगी की मदद से ही ये लोग नामी के पास जाने लगते हैं। बगी ने रास्ता दिखाता है। यहाँ लूफी जानता था कि नामी जरूर किसी मजबूरी से ही आर्लोंग के साथ काम कर रही है, इसीलिए अब लूफी सारी सच्चाई नामी से सुनना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग एक टापू पर पहुंच जाते हैं। इसी टापू पर नामी मजे से आर्लोंग के साथियों का काट रही थी। नामी अपनी चालाकी से उन्हें गेम में हरा कर उनसे पैसे लूट रही होती है। अब तभी आर्लोंग का एक साथी नामी के पास आकर कहता है कि तुम्हें आर्लोंग बुला रहा है। नामी आर्लोंग के पास जाती है। आर्लोंग अपने आर्लोंग पार्क में होता है, जो कि एक बिल्डिंग होती है। आर्लोंग इस बिल्डिंग को काफी पसंद करता है। नामी यहाँ आती है और पुरानी चीजों को देखने लगती है। इसी दौरान हम नामी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में नामी अपनी मॉम और अपनी बड़ी बहन नोजिको के साथ रहती थी। नामी की ये मॉम असली नहीं थी, बल्कि ये एक पुरानी मरीन थी, जो कि एक बार लुटेरों को पकड़ने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उनके सभी साथी यहाँ मर गए और वो खुद भी जख्मी हो गई थी। इन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर फिर इन्हें नामी और नोजिको मिली, जो कि बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने नामी और नोजिको को बचाया और फिर उनकी मॉम बनकर जीने लगी। इससे नामी और नोजिको को उनकी मॉम मिली और इनकी मॉम को जीने की वजह मिल गई। अब नामी अपनी मॉम और नोजिको के साथ यहाँ खुशी से रहती थी, लेकिन फिर एक दिन आर्लोंग अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया और उसने इस पूरे गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। आर्लोंग ने अपने लोगों के साथ मिलकर पूरा गांव तबाह कर दिया। वो हर एक के घर में जाने लगा। नामी की मॉम ने नामी और नोजिको को छुपा दिया और एक बंदूक निकाल ली, मगर फिर आर्लोंग जब यहाँ आया तो उसने बंदूक छीन ली। आर्लोंग सारे गाँव वालों से एक एडल्ट इंसान को जिंदा छोड़ने के लिए 1,00,000 बेरीज ले रहा था। नामी की मॉम उसे सारी बेरीज दे देती है, लेकिन फिर आर्लोंग यहाँ से जाते समय टेबल पर 3 प्लेट देख लेता है और समझ जाता है कि यहाँ 3 लोग रहते हैं। आर्लोंग नामी की मॉम का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। तभी नामी और नोजिको बाहर आ जाती हैं। आर्लोंग उनकी मॉम से नामी और नोजिको के लिए भी 50,000 बेरीज मांगता है, लेकिन नामी की मॉम के पास अब और बेरीज नहीं थी, इसीलिए नामी की मॉम अपनी बेरीज नोजिको और नामी की तरफ से दे देती है। जिसके बाद आर्लोंग नामी और नोजिको को तो जिंदा छोड़ देता है, मगर वो इनकी मॉम को मार देता है। मगर फिर कुछ समय बाद ही नामी अपनी बहन नोजिको और गांव वालों को छोड़कर आर्लोंग की टीम में शामिल हो गई थी, और अब प्रेजेंट टाइम में नामी यहाँ खड़े होकर अपने पास को याद कर रही थी। तभी यहाँ आर्लोंग आता है। नामी ने आर्लोंग से कोई सौदा किया होता है। अब नामी ग्रैंड लाइन के मैप को आर्लोंग को दे देती है। आर्लोंग नामी से खुश होता है, लेकिन फिर आर्लोंग नामी को उसके पुराने गाँव यानी कि कोको विलेज में जाकर वहाँ के लोगों से ट्रिब्यूट पेमेंट लेने के लिए कहता है। नामी कहती है कि वो वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन आर्लोंग नामी को ऑर्डर देकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प अपने साथियों के साथ लूफी को ढूंढता हुआ उसी रेस्टोरेंट बराटिया में पहुंच जाता है। गार्प वहां जेफ से मिलता है और उसे पहचान लेता है कि ये तो पुराना लुटेरा है। जेफ कहता है कि वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब मैं सुधर गया हूँ। खैर गार्प जेफ से लूफी के बारे में पूछता है, लेकिन जेफ कहता है कि वो किसी लूफी को नहीं जानता। गार्प समझ जाता है कि जेफ झूठ बोल रहा है, इसलिए गार्प अब खाना खाने के लिए यहीं रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी और उसके सभी दोस्त उसी आइलैंड पर कोको विलेज में आ गए होते हैं। वो लोग देखते हैं कि आर्लोंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे गांव को तबाह कर दिया है। अब तभी इनकी नजर यहां के लोगों पर जाती है। यहां एक पुराना ऑफिसर सभी लोगों से पैसे जमा करने के लिए कह रहा होता है, ताकि आर्लोंग इन सभी लोगों को जिंदा छोड़ दे। अब तभी यहां नामी आती है और सबसे कहती है कि जल्दी जल्दी पैसे दो। सभी लोग नामी को यहां दोबारा देखकर चौंक जाते हैं। तभी नामी की बड़ी बहन नोजिको नामी को अकड़ दिखाती है और यहां से चली जाती है। लूफी और बाकी सब ये सब देख रहे होते हैं। अब तभी नामी भी इन्हें देख लेती है। नामी गांव वालों से पैसे लेती है और इनके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नामी इनसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। लूफी नामी से कहता है कि हम जानते हैं कि तुम अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हो। इस पर नामी कहती है कि यही मेरा असली रूप है, मैं आर्लोंग के लिए काम करती हूँ और मैंने वो मैप चुराने के लिए ही तुम्हें बेवकूफ बनाया था। नामी इन सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। नामी ये कहकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन लूफी जानता था कि नामी झूठ बोल रही है,
इसलिए लूफी उसी पुलिस ऑफिसर से नामी के बारे में पूछता है। वो पुलिस ऑफिसर उन्हें नामी का घर दिखाता है। फिर ये सब नामी के घर में जाते हैं। तभी नोजिको बंदूक लेकर इनके सामने आ जाती है और इन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लूफी कहता है कि हमें नामी के बारे में बात करनी है, लेकिन नोजिको नामी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। इस पर सांजी अपनी बातों का जादू चलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना सकता हूँ, उसके बदले में तुम हमें नामी के बारे में बता देना। खाने का नाम सुनकर नोजिको मान जाती है। इसके बाद ये लोग खाना खाते हुए नामी के बारे में बात करते हैं। ये लोग नोजिको को बताते हैं कि नामी हमारे साथ थी, लेकिन फिर उसने हमें धोखा दे दिया। इसके बाद नोजिको इन्हें बताती है कि वो मेरी छोटी बहन है और हम दोनों एक साथ अपनी मोम के साथ रहते थे, लेकिन फिर आर्लोंग यहाँ आ गया, उसने हमारी मोम को मार दिया और इस पूरे गांव को तबाह कर दिया। इसके बाद नामी ने भी हमें धोखा दे दिया और वो आर्लोंग की टीम में शामिल हो गई। इसीलिए अब नोजिको नामी से नफरत करती है। लूफी और बाकी सब ये सब जानकर चौंक जाते हैं, मगर लूफी को नामी के लिए काफी बुरा लगता है। लूफी अब नामी की मदद करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गर्प खाना खाते हुए जेफ से दोबारा से लूफी के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं जानता हूँ वो यहीं था, लेकिन जेफ उससे इनडायरेक्टली कहता है कि हम पुराने पायरेट्स का समय जा चुका है और नई जनरेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन गार्प की नजरों में वो सभी अभी बच्चे थे, इसलिए गार्प उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। मगर जेफ गार्प को समझाता है कि लूफी बाकी सबसे अलग है। जेफ कहता है कि लूफी मुझे गोल्ड रोजर की याद दिलाता है, मगर गार्प कहता है कि याद करो गोल्ड रोजर का आखिर में क्या हाल हुआ था, मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते के साथ भी वही सब हो। अब यहीं दूसरी तरफ कोबी हेलमोपो के साथ ड्रिंक पी रहा था, तभी यहाँ के वेटर से इन्हें पता चल जाता है कि लूफी अपने साथियों के साथ कोनोमी आइलैंड की तरफ गया है। ये जानकर कोबी तुरंत गार्प को आकर ये सारी बातें बताता है। फिर गार्प लूफी को पकड़ने के लिए कोनोमी आइलैंड पर जाने लगता है। वहीं कोनोमी आइलैंड पर आर्लोंग ग्रैंड लाइन का मैप पाने के बाद अपने साथियों के साथ खुशी मना रहा होता है। तभी नामी गांव वालों के लिए पैसे लेकर आर्लोंग के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोको विलेज के बारे में बात करनी है, लेकिन आर्लोंग कहता है कि अभी जश्न मनाओ, हम बाद में कोको विलेज के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अब तभी यहाँ पर एक दूसरी मरीन टुकड़ी आ जाती है, लेकिन ये मरीन टुकड़ी आर्लोंग के लिए ही काम करती थी और आर्लोंग की मचाई हुई तबाही को मरीन से छुपाती थी। बदले में आर्लोंग इन्हें पैसे देता था। अब इस मरीन टुकड़ी का कैप्टन नेजुमी आर्लोंग से कहता है कि हमें तुम्हारे लोगों की कुछ खबरें मिली हैं। इस पर आर्लोंग उन्हें सारी बातें छुपाने के लिए नेजुमी को पैसे देता है, लेकिन नेजुमी और पैसे मांगता है। इस पर आर्लोंग उसे अपने आर्लोंग पार्क में आने के लिए कहता है। नामी भी वहां जाती है, लेकिन यहां आर्लोंग नेजुमी पर भड़क जाता है और उसे अपना गुस्सा दिखाने लगता है। ये देखकर नेजुमी डर जाता है और थोड़े से पैसे लेकर ही यहां से निकल लेता है। फिर नामी आर्लोंग से कहती है कि हम हमारे सौदे के बारे में बात कब करेंगे। नामी कहती है कि 10 करोड़ बेरीज तैयार हैं, और ये सुनकर आर्लोंग चौंक जाता है। आर्लोंग कहता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। इस पर नामी कहती है कि तुम बस अपने पैसों से मतलब रखो और अपना वादा निभाओ। दरअसल हकीकत में जब आर्लोंग ने कोको विलेज पर कब्जा कर लिया था, तो तब छोटी नामी आर्लोंग के पास गई। नामी अपनी नॉलेज से समुद्र के मैप को अच्छे से समझ पाती थी, इसीलिए नामी ने आर्लोंग से उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा और आर्लोंग ने अपने फायदे के लिए नामी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। मगर नामी ने उसे 10 करोड़ बेरीज के बदले में पूरे गांव और गांव वालों को आजाद करने का सौदा किया। उस समय आर्लोंग को लगा कि नामी इतनी बेरीज अपनी पूरी जिंदगी में जमा नहीं कर पाएगी, इसलिए आर्लोंग ने उससे वो सौदा कर लिया। मगर अब नामी ने 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा कर ली है और वो आर्लोंग से अपना वादा निभाने के लिए कहती है। ये सब सुनकर आर्लोंग कहता है कि कल पैसे लेकर आ जाना। फिर नामी यहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर आर्लोंग अपने एक साथी से नेजुमी को वापस बुलाने के लिए कहता है, ताकि नेजुमी नामी को पकड़कर उससे वो सारे पैसे ले ले और आर्लोंग को कोको विलेज को ना छोड़ना पड़े। अब वहीं दूसरी तरफ लूफी और उसके दोस्त नोजिको के घर में थे। यहाँ बगी का कटा हुआ सर इनके सामने बकबक कर रहा था। तभी नोजिको बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नामी अपनी मोम की कब्र के पास जाकर वहां छुपाए हुए अपने पैसों का बॉक्स निकालती है। तभी नोजिको यहाँ आकर ये सब देख लेती है। नोजिको को लगता है कि नामी उनकी मोम की कब्र खोद रही है, इसीलिए नोजिको गुस्से में एक शोबल से नामी पर हमला कर देती है। तभी वो शोबल बॉक्स पर लगता है और उसके अंदर के पैसे बाहर आ जाते हैं। नोजिको ये सब देखकर चौंक जाती है। नामी कहती है कि ये सब बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नामी अब नोजिको को सब कुछ बताती है कि वो सभी गांव वालों को बचाने के लिए और उनके गांव को आर्लोंग से छुड़ाने के लिए ये सब कर रही थी। ये सब जानकर नोजिको को काफी बुरा लगता है, क्योंकि नोजिको अब तक नामी को धोखेबाज समझकर उससे नफरत करती थी, लेकिन नामी तो उन्हें बचाना चाहती थी। नोजिको नामी से माफी मांगती है। अब तभी यहाँ पर नेजुमी अपने साथियों के साथ आता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि यहाँ लुटेरे चोरी का माल छुपा रहे हैं, जो कि 10 करोड़ बेरीज हैं। इन्हें यहाँ पड़े ये पैसे दिख जाते हैं और ये लोग वो पैसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। नामी कहती है कि ये मेरे पैसे हैं, लेकिन नेजुमी कहता है कि कोई भी इंसान 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा नहीं कर सकता, ये चोरी के पैसे ही होंगे। नामी इन्हें रोकती है, लेकिन ये लोग नामी के सारे पैसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नामी समझ जाती है कि इन्हें आर्लोंग ने भेजा था। नामी उनके पीछे जाती है
लेकिन नामी अब कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ आर्लोंग अपने साथियों को इंसानों के खिलाफ भड़काता है और उन्हें मार डालने के लिए कहता है। आर्लोंग अपने साथियों के साथ सबसे पहले कोको विलेज को तबाह करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ नामी अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नामी अपने चाकू से आर्लोंग का टैटू अपने हाथ से मिटाने लगती है। वो लगातार अपने हाथ पर चाकू मार रही थी, तभी लूफी आकर उसे रोक देता है। नामी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए अब नामी लूफी और बाकी सबसे कहती है हेल्प मी, और अब लूफी और बाकी सभी नामी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी अब किसी भी हाल में आर्लोंग को मारना चाहता था। अब तभी ये सब लोग देखते हैं कि आर्लोंग ने कोको विलेज पर हमला कर दिया है। ये देखकर ये सभी लोग सुबह गांव में आते हैं, जहां अब आर्लोंग ने पूरा गांव तबाह कर दिया होता है। मगर अब नोजिको ने नामी के बारे में सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी होती है, और सच जानने के बाद सभी गांव वाले नामी की मदद के लिए आ जाते हैं। वो सब आर्लोंग और उसके साथियों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, मगर नामी उन्हें रोक देती है। नामी अपने दोस्तों के साथ आर्लोंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ गार्प अपने साथियों के साथ कोनोमी आइलैंड के पास आ चुके थे। गार्प यहाँ की मरीन टुकड़ी के कैप्टन को बुलाते हैं, जो कि वही मरीन नेजुमी होता है। गार्प उससे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हमें खबर मिली है कि आर्लोंग अपने साथियों के साथ यहाँ तबाही मचा रहा है और उसने कोको विलेज को भी तबाह कर दिया है। मगर ये कैप्टन झूठ बोलता है और कहता है कि अब हालात काबू में है और कोको विलेज को असल में लूफी नाम के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ तबाह किया है। मगर कोबी ये सब सुन लेता है। कोबी कहता है कि लूफी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ नेजुमी और कोबी में बहस होने लगती है, तभी गार्प दोनों को शांत कराता है और फिर ये सभी लोग लूफी के पास आइलैंड पर आने लगते हैं। वहीं लूफी और उसके दोस्त आर्लोंग के एरिया में जाते हैं। उसोप अपने धुएं वाले बमों से चारों तरफ धुआं फैला देता है, मगर इससे आर्लोंग के साथी चौकन्ने हो जाते हैं। फिर लूफी अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंट्री करता है। नामी लूफी को बताती है कि आर्लोंग अपने आर्लोंग पार्क में होगा, इसीलिए लूफी और नामी आर्लोंग के पास जाने लगते हैं। जोरो, सांजी और उसोप आर्लोंग के साथियों से फाइट करते हैं। तभी उसोप अपना धुएं वाला बम एक फिशमैन के चेहरे पर मारता है, मगर इससे उस फिशमैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसोप के पीछे पड़ जाता है। उसोप भागकर जंगलों में आता है। इधर जोरो और सांजी बाकी फिशमैन को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ नामी और लूफी अंदर पहुंच चुके थे। यहां नामी ग्रैंड लाइन के मैप को दोबारा से चुरा लेती है। यहीं लूफी जंजीरों को देखता है। नामी बताती है कि आर्लोंग ने मुझे यहाँ कई सालों तक कैद करके रखा था, और जब मैं 12 साल की हुई तो उसने कहा कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, और ये कहकर उसने मुझे आजाद कर दिया। अब तभी यहाँ आर्लोंग भी अपने हथियार के साथ आ जाता है। वो अपने हथियार से लूफी पर हमला करता है और लूफी से कहता है कि जिस तरह मैंने नामी का इस्तेमाल किया है, तुम इस तरह नामी का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। वो आर्लोंग के हथियार को तोड़ देता है और उससे कहता है कि नामी कोई चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जाए। लूफी आर्लोंग से कहता है कि नामी के अपने सपने थे जिसे तुमने छीन लिया। लूफी अब नामी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। नामी यहाँ से जाने लगती है। लूफी आर्लोंग से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ उसोप उसी फिशमैन से बच रहा था। फिर उसोप अपने बनाए एक खास बम से उस पर हमला करता है, जिससे उस फिशमैन में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। यहीं जोरो और सांजी आर्लोंग के साथियों से फाइट कर रहे थे। तभी बग्गी का कटा हुआ सर इनसे कहता है कि मेरा शरीर भी यहीं पर है, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर सांजी उसे आजाद कर देता है, मगर बग्गी अपने शरीर से जुड़ने के बाद सांजी और जोरो को डबल मिडल फिंगर दिखाकर भाग जाता है। तभी यहाँ पर एक और फिशमैन जोरो और सांजी को मारने आ जाता है। जोरो और सांजी मिलकर उससे फाइट करते हैं। इधर लूफी आर्लोंग से फाइट कर रहा था। आर्लोंग लूफी से काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन लूफी हार नहीं मानता। वो आर्लोंग के एक मुक्का मारता है, जिससे आर्लोंग की पूरी बत्ती सी टूट जाती है, मगर आर्लोंग अपने सभी दांत दोबारा से निकाल लेता है। फिर आर्लोंग लूफी को मारने लगता है। यही आर्लोंग का साथी जोरो और सांजी को अकेला ही मार रहा था। तभी सांजी को गुस्सा आ जाता है। सांजी उसकी एक लात मारता है और फिर दूसरी लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। सांजी अपने स्पेशल मूव से इसका भी काम तमाम कर देता है। तभी यहाँ उसोप भागता हुआ आता है, लेकिन अब तक सांजी और जोरो ने यहाँ सबको खत्म कर दिया होता है। अब इसके बाद यहाँ नामी भी मैप लेकर आ जाती है। सांजी उसे देखकर अपनी दोनों बाहें फैलाता है, लेकिन नामी उसे छोड़कर जोरो और उसोप के पास आ जाती है। अंदर लूफी आर्लोंग से लड़ रहा था, लेकिन लूफी देखता है कि आर्लोंग को मार से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए लूफी आर्लोंग को चोट पहुंचाने के लिए उसके बनाए इस आर्लोंग पार्क को तबाह करने लगता है। ये देखकर आर्लोंग को गुस्सा आता है। वो लूफी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी आर्लोंग के इस आर्लोंग पार्क को तबाह करता ही जाता है। फिर लूफी आर्लोंग के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है और उसे दीवार में घुसा देता है। आर्लोंग दोबारा उठता है। तभी लूफी अपने पैर से आर्लोंग पार्क को चीरता हुआ आर्लोंग को दबा देता है, जिसके बाद ये पूरा आर्लोंग पार्क तबाह हो जाता है। बाहर खड़े लूफी के दोस्तों को लगता है कि लूफी सबके नीचे दब गया, लेकिन लूफी जमीन को चीरता हुआ बाहर आ जाता है और नामी से कहता है कि तुम हमारी दोस्त हो, अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद रात में गांव वाले लोग जश्न मना रहे होते हैं। सांजी ने इन सभी लोगों के लिए खाना बनाया होता है और यहीं उसोप भी गांव वालों को इकट्ठा करके लंबी लंबी फेंक रहा था। अब तभी यहाँ गार्प अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। ये लोग इन्हें गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट करने लगते हैं।
गार्प लूफी से कहता है कि हार मान लो। गार्प उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी तरह बनाना चाहा, लेकिन तुम एक लुटेरे ही बन गए। इस पर लूफी कहता है कि मैं पायरेट बना नहीं हूँ, बल्कि मैं शुरू से ही एक पायरेट था। अब ये सुनकर गार्प को गुस्सा आता है। गार्प लूफी से फाइट करता है और उसे मारने लगता है। लूफी अपने दादाजी से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन गार्प उससे फाइट बैक करने के लिए कहता है। इस पर लूफी रॉकेट की तरह गार्प पर हमला करता है, लेकिन गार्प एक ही मुक्के में रॉकेट की हवा निकाल देता है। गार्प लूफी से कहता है कि ग्रैंड लाइन पर जाना बच्चों का खेल नहीं है, ग्रैंड लाइन तुम्हारी सोच से कई ज्यादा खतरनाक है। इस पर लूफी कहता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपना ग्रैंड लाइन पर जाने का सपना नहीं छोड़ूंगा और वन पीस को ढूंढ कर एक दिन लुटेरों का बादशाह बन जाऊंगा। ये कहकर लूफी हंसने लगता है और लूफी की हंसी में गार्प को गोल्ड रोजर की हंसी दिखती है। गार्प लूफी को छोड़ देता है। इसके बाद गार्प अपने साथियों से कहता है कि यहाँ खड़े होकर तमाशा के देख रहे हो, जाओ जाकर आर्लों के साथियों को ढूंढकर उन्हें यहाँ पकड़ कर लाओ। ये सुनकर उसके सभी साथी आर्लों के साथियों को पकड़ने चले जाते हैं, मगर तभी नेजुमी कहता है कि इन सबका क्या होगा, यही लोग तो असली लुटेरे हैं। तभी नामी उसके एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर लूफी यहाँ आता है और गार्प लूफी को बताता है कि मैं जानता था कि मैं तुम्हारा फैसला नहीं बदल सकता। गार्प कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो और ये सब बस तुम्हारा एक टेस्ट था। अब ये सब सुनकर लूफी चौंक जाता है। गार्प लूफी से कहता है कि अब तुम अकेले हो। ये कहकर गार्प यहाँ से जाने लगता है। तभी लूफी कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। अब इसके बाद गार्प यहाँ से चला जाता है। अगले दिन नामी अपनी मॉम की गिरफ्त पर जाती है और उन्हें बताती है कि उसने आखिरकार इस गांव को दोबारा आजाद करा दिया है। अब तभी यहाँ नोजिको आती है। वो दोनों थोड़ी इमोशनल बातें करती हैं और नामी नोजिको के साथ चली जाती है। वहीं कोबी लूफी से मिलने आता है और उसे उसका पोस्टर दिखाता है और बताता है कि फाइनली तुम्हारा भी वांटेड पोस्टर छपा है और तुम्हारे ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा इनाम रखा गया है। ये सुनकर लूफी को काफी खुशी होती है, क्योंकि लूफी अब ऑफिशियली पायरेट बन चुका है। कोबी अब लूफी को अलविदा कहकर चला जाता है। फिर लूफी अपने बाकी साथियों को जाकर ये सब बताता है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि अब इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनाम लेने के लिए अब सभी लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। मगर लूफी कहता है कि अब हम ईस्ट ब्लू में नहीं रुकेंगे, हम सीधा ग्रैंड लाइन पर जाएंगे। ये लोग अब अपने अगले एडवेंचर पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लूफी का पोस्टर उसके सभी दोस्तों को मिलता है। सभी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। बगी को भी लूफी का पोस्टर मिलता है और बगी डिसाइड करता है कि वो लूफी को पकड़ेगा। यहीं अलविदा भी बैठी होती है, जो कि अब भी जिंदा थी। वो भी बगी की टीम को ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी लूफी को पकड़ने में मदद करूंगी। वहीं दूसरी तरफ गार्प भी लूफी का पोस्टर देखकर काफी खुश हो रहा था। फिर यहाँ कोबी और हेलमेपो आते हैं और कहते हैं कि हमने आपका ऑर्डर नहीं माना, इसीलिए अब हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन गार्प डिसाइड करता है कि वो सजा के तौर पर कोबी और हेलमेपो को खुद ट्रेनिंग देगा, और ये सुनकर कोबी और हेलमेपो खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहोक शैंक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जिसके बारे में कई साल पहले बताया था, वो लूफी अब लुटेरा बन चुका है। लूफी का पोस्टर देखकर शैंक्स उसके साथ ही खुश हो जाते हैं और यहाँ जश्न मनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूफी, जोरो, नामी, उसोप और सांजी अपने नए सफर पर निकल चुके थे। ये चारों अपना अपना सपना बताते हैं। सांजी कहता है कि वो ऑल ब्लू को ढूंढेगा। लूफी कहता है कि वो पायरेट्स का किंग बनेगा। जोरो कहता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनेगा। नामी कहती है कि मैं पूरी दुनिया का मैप बनाऊंगी। और फिर उसोप कहता है कि वो समुद्र का एक वॉरियर बनेगा। अब ये चारों ग्रैंड लाइन की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास लूफी का पोस्टर था और वो उसे जला देता है। यानी कि लूफी और उसके दोस्तों की तरफ अब नए विलेंस बढ़ रहे हैं। और इसी एंडिंग के साथ सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।